सहारनपुर नगर निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और इसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रांत अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यालय पर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। मीटिंग में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ नगर निकाय नगर पंचायत चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी लगातार पैदल यात्रा पर हैं। राहुल गांधी महीनों से 12 जोड़ों यात्रा के माध्यम से जनता को कांग्रेस पार्टी की नीतियों और विचारों से रूबरू करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नगर निकाय का चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी। बहुजन समाज पार्टी में रहने के सवाल पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया को कहा कि बहुजन समाज पार्टी दलित और मुस्लिम का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी संसद में दो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करती है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग कराती है और जनता के बीच दलित मुस्लिम वोट बैंक का लालच देकर वोटों का ध्रुवीकरण करती है। देखिए, आज आने का उद्देश्य शहरी निकाय के चुनाव की तैयारियां, जो राहुल जी भारत जोड़ यात्रा चला रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हर ब्लॉक में ये भारत जोड़ यात्रा चलाई जाए। उसके बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे और साथ ही साथ संगठन को कैसे मजबूती दी जा सकती है उस पर भी हमें अभी अंदर बैठ के विचार विमर्श करना है। क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए, क्योंकि राहुल जी जो है वो लगातार साउथ में भारत को जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी है? देखिए, हमारे आने का उद्देश्य यही है, आपके सामने बात कर रहा हूँ। मैंने अभी सबसे कहा कि भाई अप्लीकेशन लेके फॉर्म लेकर के जो भी कार्यकर्ता इच्छुक है लड़ने के लिए उसको सबमिट करें, उसको फाइनल करके। अभी तो परसीमन ही नहीं घोषित हुआ शहरी निकाय में कौन सीट रिजर्व होगी, किसके लिए रिजर्व होगी, कौन जनरल होगी, अभी चुनाव आयोग ने यही नहीं किया। जब ये हो जाएगा तभी तो कैंडिडेट फाइनल होंगे। अभी एप्लीकेशन हम ले रहे हैं, मान लिया किसी समान आदमी ने एप्लीकेशन दिया, वो हो गई रिजर्व, तो अभी इसमें जब तक परसीमन नहीं क्लियर होता तो बहुत इस पर हम आपकी बात का उत्तर नहीं दे सकते। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।